हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू वीडियो पे। दोस्तों मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं फ्यूचर बिजनेस इंडिया चैनल। आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही न्यू अपडेट ग्लेस कंपनी की तरफ से सभी को लेकर लेके आए हैं। इस अपडेट अगर आपको कंप्लीटली लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसको पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इस अपडेट के बारे में हम बता दूं, कंपनी की तरफ से सभी दोस्तों IR रिकॉर्ड मांगा जा रहा है और एक ID पे सभी का ID पे ऐड कर दिया है। जब आप अपने ID लॉगिन कर रहे तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, उसमें आपको चार चीज को आपको भरने के लिए बोला जा रहा है। पहली चीज दोस्तों जो होता है वो आपको स्पॉन्सर का डिटेल्स भरने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी दोस्तों वो आपको ED का भरने के लिए बोला जा रहा है, ED सर का। तीसरी दोस्तों आपको SD सर का। चौथा दोस्तों आपको RD सर का। ये चार चीज को आपको भरने के लिए वहां पे एक ऑप्शन एक फॉर्म दिया जा रहा है। तो उसमें बेसिकली कौन कौन चीज आपको भरना है, उसको आपको कॉलिंग नंबर भरना है, व्हाट्सएप नंबर भरना है दोस्तों। तीसरी जो होता है दोस्तों जो होता है उनकी ID नंबर, और चौथी दोस्तों उसकी ईमेल ID। ये चार चीज आपको वहां पे भरना है। तो सबसे पहले हम आपको सजेशन देंगे, इस चीज को आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी में सबके डिटेल्स पहले लिख लेना है और किस तरीके से उस फॉर्म को फॉर्म को फिलअप करना है उसकी पूरा कंप्लीटली इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को इन तक जरूर देखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए छोटा इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो है गाइस, जो लेटेस्ट जो अपडेट आप लोगों के लिए जो न्यू अपडेट आया है तो उसके लिए आज मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बता दूँ, सबसे पहले आपको किस तरीके से अपडेट को करना है, जो IR रिकॉर्ड को जो न्यू अपडेट आया है। तो बहुत सारा IR से जिसको इस चीज़ को बारे में भी पता नहीं, तो जिस चीज़ के लिए इस वीडियो में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है गूगल पे। जैसे गूगल पे बेस जिस तरीके से मैं अभी मोबाइल पे आपको जिस तरीके से मैं कंप्यूटर पे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप अपनी मोबाइल पे चीज़ को करना है। तो मैं कंप्यूटर पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में बड़ा स्क्रीन पे आपको देखने में आसानी होगा, इसलिए मैं कंप्यूटर में आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है ग्लोबल ग्लेस। लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पेज पे जाना है। जो भी आपको IR गेटवे का जो लॉगिन पेज आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ID पासवर्ड मार के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो जैसे यहाँ पे आप मेरा ID पासवर्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ, जब मेरा ID और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो कैप्चर है वो आपको कैपिटल में टाइप करना है। ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जो कैप्चर आपको लगाना है ये आपका कैपिटल में लगाना है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल पे मेरा जो कैप्चर है यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो होम पेज में जो आपको आएगा वही आपको IR रिकॉर्ड यहाँ पे ग्लेस कंपनी की तरफ से मांगा जा रहा है। जितना भी लीडर्स है सभी को, लीडर्स डाउनलाइन जितना भी है ग्लेस का डिस्ट्रीब्यूटर है, सभी को इस फॉर्म को भरना आवश्यक है। इसको KYC को आपको, जब तक आप इस KYC को अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको ID ओपन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए इस चीज को। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है किस की रिकॉर्ड आपको यहाँ पे भरने मतलब डालने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम आपके बता दूं, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड, सबसे पहले आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपकी रिकॉर्ड यहाँ पे डालने के लिए बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्पॉन्सर, जो आपका स्पॉन्सर यानी आपका अपलाइन है, उसकी डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्या क्या है, जैसे उसकी ID नंबर है, वहाँ के उसकी कॉलिंग नंबर, उसकी ईमेल ID और उसकी व्हाट्सएप नंबर, ये आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है दोस्तों ED, आपका जो ED होता है, ED का जो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरना है, उसकी ED का नंबर, कॉलिंग नंबर, उसकी व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद जो SD है, SD का आपका जो उसकी भी ID नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद जो ID है उनकी कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ इस फिलअप करने के बाद आपको लास्ट में अल्टीमेट इस चीज़ को सबमिट करना है। तो चलिए सबसे देख लेते हैं किस तरीके से चीज फिलअप किया जाए। तो सबसे पहले हम फिलअप करने वाला हूँ, मेरा जो इस चीज़ को हम फिलअप करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिलअप करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉलिंग नंबर, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ईमेल। ये दोस्तों इस चीज़ को मुझे प्राइवेसी के लिए गार्ड करना पड़ा, तो लेकिन आप लोग जिस तरीके से मैं ऑडियो में बता रहा हूँ इस चीज़ को देखे आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके किस चीज़ को करें। जब ईमेल ID डालने के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे टाइप करना है।
करंट फ्रेंचाइजी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, करंट फ्रेंचाइजी। करंट फ्रेंचाइजी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो मांगा जा रहा है वो है आपको स्पॉन्सर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर रिकॉर्ड पे जो इसके स्पॉन्सर डालना है, तो स्पॉन्सर यहाँ पे स्पॉन्सर का कॉलिंग नंबर सबसे बेटर होगा दोस्तों। आप इस चीज को आपको सबसे पहले कॉपी में डाल ले, कॉपी डालने के बाद आपको इस चीज को करना है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पॉन्सर का जो नंबर यहाँ पे आपको भरना है, उसके बाद दोस्तों उसके व्हाट्सएप नंबर आपको भरना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको उसके बाद दोस्तों आपको ईडी डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो ईडी डिटेल्स आपको डालना है, जो ध्यान रखे दोस्तों इस चीज को गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस चीज को सही से करना है। यहाँ पे आपको फॉलो करना है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे उस चीज को आपको एकदम परफेक्ट करना है, ना तो आपको चेक करने के बाद गलत ना हो, इस चीज को देखने के बाद आपको अच्छे से डाले। क्योंकि दोस्तों ये चीज आपको हेड ऑफिस में आपको एक रिकॉर्ड है जो आपके हेड ऑफिस तक जाएगा, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आपको आरडी का डिटेल्स है। तो आरडी का जो डिटेल्स भी यहाँ पे हम भरने के बाद, इस चीज को सब अच्छे से भरने के बाद आपको इस चीज को फॉलो करके देखना है, देखने के बाद आपको सबमिट करना है। मैं यहाँ पे टोटल चीज को भर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बता दूं ये जो है केवाईसी रिकॉर्डिंग है, ये आपको केवाईसी भरना ही है, आवश्यक है, जरूरी है। अगर ये केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका आईडी आपका ओपन नहीं होगा। तो सब डिटेल्स मैंने भर दिया हूँ, अभी क्या करना है, अभी इसको सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सबमिट करने के बाद देखते हूँ क्या दिखाता है। आर यू श्योर, इसके बाद आपको श्योर ऑप्शन देखा जाए, आर यू श्योर जो डिटेल्स आपने भरे सही है, तो अगर आप सही है तो इसको ओके कर दे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट इस चीज को आपको दिखा रहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। जब वहां डालने के बाद दोस्तों अपना जो आईडी है ये आपका ओपन होगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अगर आप इस चीज को किए हैं तो आपका आईडी लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखें, ये चीज आपको करना जरूरी है। कंपनी के तरफ से ये चीज लागू किया गया है और ये चीज को करना आवश्यक है। उसके बाद आपको हेड ऑफिस के तरफ से वो जो चीज दिया गया था आईआर का रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड आपने डाल दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद दोस्तों अपना जो आईडी है पहली तरह आपको लॉगिन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसी तरह आप लोग, अगर मुझे वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ साथ कॉमेंट कर दे, और इसी तरह और भी बेहतरीन वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अलविदा।